जयपुर शहर में प्रवासी और जरूरतमंदों के राशन वितरण में हो रही देरी को लेकर एक बड़ी चीज सामने आई है। पहले राशन वितरण 12 से 17 जून तक वितरित किया जाना था, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण समय पर नहीं होने की वजह से अब 21 से 22 जून तक राशन वितरण होगा। आपको बता दें कि शहर में 572 उचित मूल्य की दुकानें हैं। मंगलवार तक 139 दुकानों में राशन वितरित हुआ। बुधवार को करीब 200 दुकानों में राशन वितरित होने की संभावना है। जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने कहा कि 5 जून तक 1,85,000 लोगों ने प्रवासी और जरूरतमंद फॉर्म में पंजीयन कराया था, जिन्हें राशन वितरण किया जा रहा है। नॉन एनएफएसए के अंतर्गत अभी गेहूं का वितरण चल रहा है, गेहूं और चने का। शहर में, जयपुर शहर में 572 उचित मूल्य की दुकानें हैं। 572 उचित मूल्य की दुकानों में से 139 उचित मूल्य की दुकानों में आज गेहूं और चने का वितरण हो रहा है, और ये निरंतर इनका हम अगले 3-4 दिन में सभी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जितने भी नॉन एनएफएसए में 1,85,000 परिवार जो अभी रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने, जिसमें प्रवासी भी हैं और विशेष श्रेणी के परिवार भी हैं, उन सबको हम गेहूँ का वितरण अगले 20-21 तारीख तक सबको वितरण कर